वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुरस्कारों में यूपी के बनारस की झोली में 4 पद्मश्री पुरस्कार आए हैं, जिसमें पूर्वांचल के बिरहा सम्राट कहे जाने वाले हीरालाल यादव भी शामिल हैं, जिनको 2013-14 में अखिलेश सरकार ने यश भारती सम्मान से नवाजा था। हीरालाल को बिरहा गाने की ललक 5 साल की उम्र से लग गई थी। हम हीरालाल जी से ही बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी खुशी है। हीरालाल जी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। किसको धन्यवाद देंगे? ब्रह्मदेव। धन्यवाद किसको देंगे? उम्र का तकाजा है और खुद परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि मेमोरी लॉस की भी दिक्कत है। हम उनके बेटों से जानना चाहेंगे, उनके परिवार के लोगों से जानना चाहेंगे कि कितना संघर्ष भरा रहा भाई साहब पिताजी का सफर। छोड़कर आए हैं यहाँ हम लोग, पांडरीवा में रहते थे हम लोग, और यहाँ आए गुरु जी हमारे थे, बाबू जी के विधायक गुरु रमन जी अहोरी जी, उन्हीं सानिध्य में यहाँ आकर और बहुत संघर्ष किए हैं जीवन में। तो पहले तो साधन नहीं था, व्यवस्था नहीं था, संसाधन नहीं था, पैदल साइकिल से आना जाना 100-200 किलोमीटर पैदल इधर उधर, मतलब क्या हम बताएं। कब से बिरहा की प्रस्तुति दे रहे हैं बाबू जी? बचपन से दे रहे हैं, 5 साल की उम्र से दे रहे हैं। जब इनके बड़े भाई रमन सरदार थे, इनको अपने कंधे पर बैठा के ले जाते थे, कई कार्यक्रम होता दूसरे के, तब उसमें जाके गवाते थे और वहाँ इनको 5 रुपया एक बार इनाम मिल गया बचपन में, तब इनका हौसला बढ़ गया और इसके बाद गाने का शौक बढ़ गया और गाने गाते रहे और साइकिल से पैदल रात दिन भी गाते, दिन भी गा के रात में भी गाए हमेशा। ऐसा कभी कोई मौका रहा कि कोई बड़ा नेता मौजूद रहा हो किसी विवाह कार्यक्रम में? बहुत मुलायम सिंह यादव मजीद थे और कल्पनाथ राय के सभाओं में गए हैं, 1 महीना कल्पनाथ राय के चुनाव में लगते थे और इनको ले जाकर पूरे सभाओं में इनका गाना पहले होता था, उसके बाद उनका सभा होती थी, भीड़ जुटाते थे। आडवाणी की सभा में हुआ है, अमर सिंह की सभा में हुआ है, अखिलेश यादव की सभा में हुआ है, सबके सारे राजनेताओं की सभा में इनका प्रोग्राम हुआ है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आज तक नहीं मिला था पुरस्कार कोई, और इनको आखिरी ख्वाहिश थी कि हमको ये पुरस्कार मिल जाए। पत्रकारों से हमेशा कहते थे कि हमारा पुरस्कार हमको नहीं मिल रहा है, चमचागिरी से मिलता है, ई गिरी से, हमेशा इनको दर्द रहता था इनके दिल में। निश्चित तौर पर उम्र का तकादा है और काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी वो जोश वो जज्बा हीरालाल जी में बरकरार है जो पहले हुआ करता था। इस बात दे रहा गोपाल मिश्र, ATV वाराणसी।